हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश वर्ड्स यूज्ड इन डेली लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एवरी। एवरी को हिंदी में कहते हैं प्रत्येक। एग्जांपल से देखिएगा, मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ। आई गो टू टेम्पल एवरी डे। वह हर सुबह यहाँ आती है। शी कम्स हियर एवरी मॉर्निंग। मच मच मीन्स होता है बहुत। ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक टू मच। मुझे यह बहुत पसंद आया। आई लाइक इट वेरी मच। नेक्स्ट है हमारा हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। आपने वह कैसे किया। हाउ डिड यू डू दैट। क्या आप जानते हैं अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप इसे सिंपल में बोल सकते हैं कि क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है। नेक्स्ट है हु। हु मीन्स होता है कौन। कल आगरा कौन गया था। हु वेंट टू आगरा यस्टरडे। अंग्रेजी बोलना कौन नहीं जानता है। हु डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इफ को हिंदी में कहते हैं अगर या यदि। यदि आप जानते हैं तो अंग्रेजी बोले। स्पीक इंग्लिश इफ यू नो। अगर मैं कुछ देर आपके साथ बैठूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है। डू यू माइंड इफ आई सिट विद यू फॉर अ वाइल। ईच को हिंदी में कहते हैं प्रत्येक या हरेक। मैंने प्रत्येक प्रश्न हल कर लिया है। आई हैव सॉल्वड ईच क्वेश्चन। प्रत्येक विद्यार्थी को अवसर मिलेगा। ईच स्टूडेंट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। थ्रू का मतलब होता है को, होते हुए या क्या के माध्यम से। मैं अपनी नाक से सांस नहीं ले सकता हूं। आई कैनोट ब्रीथ थ्रू माई नोज। उसने किताब के पन्ने पलटे। शी फ्लिप थ्रू द पेजेज ऑफ द बुक। बेरली का मतलब होता है मुश्किल से। वह मुश्किल से चल पाता था। He could barely walk. उसने सिर हिलाया, मुश्किल से बोल पा रही थी। मतलब सिर तो हिलाया लेकिन वह मुश्किल से बोल पा रही थी। She nodded, barely able to speak. Entire means होता है पूरा। वह अपने पूरे परिवार को संभालती है। She manages her entire family. उन्होंने अपना पूरा जीवन द्वीप पर बिताया। He spent his entire life on the island. Instead, बजाय या की जगह। इसके साथ जनरली आप ऑफ लगा करके इस्तेमाल करते हैं। बोलने के बजाय अध्ययन करें। स्टडी इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग। मैं नहीं जा सका इसलिए वह चली गई। यानी मेरे बदले चली गई या मेरे जगह चली गई। आई कुडंट गो सो सी वेंट इंस्टीड। प्रोबेबली मीन्स होता है शायद। मैं संभवता, हिंदी में संभवता भी कह सकते हैं, अगले वर्ष पुनः प्रयास करूंगा। I'll probably try again next year. दोपहर का खाना शायद तैयार है। Lunch is probably ready. Purpose means होता है उद्देश्य। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I didn't do it on purpose. यानी on purpose जब आप यूज करते तो इसका मतलब हो गया जानबूझकर। आपको यहां आने का उद्देश्य क्या है। What's your purpose of coming here? Beyond का मतलब होता है परे या बाहर। ये काम मेरे बस के या क्षमता से बाहर है। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे This work is beyond my capacity. मैं बैंक के ठीक सामने या दूसरी तरफ रहता हूँ। I live just beyond the bank. दस मीन्स होता है इस प्रकार, ऐसा या उस तरह। ऐसे में वह अपने दोस्त से मिलने वहां गया। Thus he went there to meet his friend. कुछ लोग अधिक सक्षम होंगे और इस प्रकार दूसरों की तुलना में बेहतर भुगतान करेंगे। यानी उसको बेहतर भुगतान किया जाएगा। Some people will be more capable and thus better paid than others. Which को कहते हैं कौन सा। वह तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। Which book do you want? कौन सा असली है। Which one is real? During का मतलब होता है के समय में या के दौरान। कक्षा के दौरान किसी को भी अंग्रेजी बोलने की अनुमति नहीं है। Nobody is allowed to speak English during class. परीक्षण अवधि के दौरान वह बेचैन था। During trial period he was restless. Still, फिर भी या अभी भी। वह अभी भी सो रहा है। He is still sleeping. वह अभी भी अंग्रेजी सीख रही है। She is still learning English. Now means होता है अब या इस वक्त। अब मैं अमेरिका के लिए रवाना हो रहा हूं। Now I am leaving for America. वह अब व्यायाम कर रहा है। इसे आप कहेंगे He is taking exercise now. Also को हिंदी में कहते हैं भी या साथ ही।
मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। आई ऑल्सो लिव इन दिल्ली। वह भी एक शिक्षिका है। शी इज ऑल्सो अ टीचर। मेनी को कहते हैं अनेक या बहुत। ऐसे मेरे बहुत मित्र हैं। मेरे बहुत मित्र हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स। कई छात्र यहाँ अंग्रेजी सीखते हैं। मेनी स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश हियर। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, यानी कि बगल में या अगला, इसका मीनिंग होता है मे आई सिट नेक्स्ट टू यू। मैं अगले सप्ताह आपके पास आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू नेक्स्ट वीक। देर को हिंदी में कहते हैं वहां, और एक इसको हम डमी देर कहते हैं, जहां पर कोई मीनिंग नहीं होता है। जब इससे आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो वहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे इसमें कोई शक नहीं है, देर इज नो डाउट, तो यहां पर देर का कोई मीनिंग नहीं है। मुझे वहां जाना है, आई वॉन्ट टू गो देयर, या मैं वहां जाना चाहता हूं। होल का मतलब होता है संपूर्ण। मैं पूरा विचार समझता हूं, मतलब कंप्लीट। आई अंडरस्टैंड द होल आइडिया। मुझे पूरी कहानी नहीं पता, आई डोंट नो द होल स्टोरी। वेरी को हिंदी में कहते हैं बहुत। वह बहुत थकी हुई थी, शी वॉज वेरी टायर्ड। मुझे यह बहुत पसंद आया, आई लाइक इट वेरी मच। देन को हिंदी में कहते हैं तब। तब वह तैयार नहीं थे, ही वॉज नॉट रेडी देन। तो फिर आपकी मदद कौन करेगा, देन हु विल हेल्प यू। बेसिस को हिंदी में कहते हैं आधार या बुनियाद। हम नियमित आधार पर एक दूसरे से मिलते हैं। वी सी ईच अदर ऑन अ रेगुलर बेसिस। यहाँ पर सी का मतलब देखना नहीं बल्कि मिलना है। हम उसे अंशकालिक आधार पर नियुक्त करते हैं, यानी आपने सुना होगा पार्ट टाइम बेसिस। वी एम्प्लॉय हर ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। Perhaps को इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं शायद या हो सकता है। शायद रोहन सही थे, perhaps रोहन was correct। शायद मुझे उसके साथ खुलकर बात करनी चाहिए थी, perhaps I should have been frank with him। Various को हिंदी में कहते हैं विभिन्न। विभिन्न विधियां अनेक और विविध है। The methods are many and various। विभिन्न लोगों ने मुझे यही बात कही है। Various people have told me the same thing। नेक्स्ट हमारा आवर। आवर को हिंदी में कहते हैं हमारा या अपना। अब इसको आवर मैंने बोला पहली बार सबको समझने के लिए, बट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू प्रोनाउंस इट आर। वह हमारा काम नहीं करना चाहती है या चाहती। शी डज नॉट वॉन्ट टू डू आर वर्क। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, वी शुड डू आर वर्क ऑन टाइम। तो ये थे आज के डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप ये सेंटेंसेज आप कभी ना कभी अपने लाइफ में, अपने जीवन में इस्तेमाल आपने जरूर किया होगा, या आगे से आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।